फ्रेंड्स, टाटा पावर के शेयर के ऊपर ईवी चार्जिंग स्टेशन से रिलेटेड एक प्रेस रिलीज बाजार बंद होने के बाद निकल कर आई है, तो इसी वजह से ये शेयर कल फोकस में रहने वाला है। और इसके अलावा फ्रेंड्स, इस शेयर ने पिछले एक महीने की बात करें तो कोई खास रिटर्न नहीं दिया, मगर फ्रेंड्स अब यहाँ से ये जो न्यूज़ निकल कर आई है उसके बाद यहाँ पर इस शेयर में काफ़ी शानदार तेज़ी हमें देखने को मिल सकती है आने वाले लॉन्ग टर्म पीरियड में, क्योंकि फ्रेंड्स टाटा पावर ने HPCL के साथ करार किया है ईवी चार्जिंग स्टेशन लगाने के लिए। और यह चार्जिंग स्टेशन लगभग 500 से ज़्यादा टाटा पावर लगा सकते हैं और 100 से ज़्यादा सिटी में यह नेटवर्क फैलने वाला है। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके की न्यूज़ का बाज़ार बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था टाटा पावर की ओर से, तो यहाँ पर अब न्यूज़ निकल कर आ गई है बाज़ार बंद होने के बाद, तो देखते हैं इसका कल शेयर पर कितना हमें पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिलता है। हालांकि ये न्यूज़ फ्रेंड्स नॉर्मली लॉन्ग टर्म में ही काम करेगी, क्योंकि जब यहाँ पर चार्जिंग स्टेशन लगेगा उसके बाद यहाँ पर अगले आने वाले कई सालों में रेवेन्यू स्टार्ट होगी, मगर फिलहाल इस न्यूज़ की वजह से कल शेयर में थोड़ी बहुत तेज़ी देखने को मिल सकती है।